पीएम मोदी पर ललन सिंह के बयान का समर्थन करते हुए एक कदम आगे बढ़कर के बोल दिया है कि ये सिर्फ ढोंगी और बहुरुपिया ही नहीं फेकू भी है। तारिक अनवर ऐसे लोग जो राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को गाली दिया करते थे, ये किसी को गाली देने वाले लोग हैं। इनका संस्कार ही यही है कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोलना है, और अपने आप को जीवंत रखने के लिए, अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए किसी को गाली दें, वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, यही इनका कैरेक्टर है। और कहीं आ और जा सकते हैं अपने को सर्वाइव कराने के लिए, इसलिए ऐसे लोगों की यही कीमत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है सोमवार को। इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि संगठन को मजबूत करना और भाजपा आरएसएस की प्रतिशोधी नीतियों से लड़ना मेरा कर्तव्य है। वे देश को धर्म के आधार पर बांट रहे हैं, वे पिछड़े अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यकों को बांट रहे हैं, वे सब कुछ चुनाव के नजरिए से देखते हैं। और इस सब के भारतीय जनता पार्टी चुनाव के नजरिए से देखता है, और ये खेती कराने के, आलू का खेत बोने के लिए और प्याज का खेत बोने के लिए नजरिए से देखती है कांग्रेस पार्टी। लोकतंत्र में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक पार्टी तो लोकतंत्र के ख्याल से ही देखेगा, और धर्म और संप्रदाय के आधार पर बांट के आज तक देश में हुकूमत करते रहे लोगों को डरा धमका के, और आज उनको खराब लग रहा है जब भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र में विश्वास करता है। ये परिवारों की पार्टी नहीं है, विचारों की पार्टी है, तो विचार तो अच्छा लगेंगे नहीं। जहां एक परिवार के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनको विचार से तो मुक्ति चाहिए, इसलिए विचारों की बात नहीं करेंगे। सीबीआई द्वारा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नोटिस देकर के समन जारी करके बुलाया है, इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सिसोदिया को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है, और उन्होंने यह भी कहा कि सीएम मैंने डिप्टी सीएम सिसोदिया और जैन जो है उनके हेल्थ मिनिस्टर आज के भगत सिंह के सम्मान हैं। अब उनका तो सब भगत सिंह, वो अपने भगत सिंह से बड़ा है। सीबीआई इस देश का बड़ा सिस्टम है, इंक्वायरी करने का सिस्टम है, पनिश करने के लिए करके कोर्ट को देने का सिस्टम है, इससे बड़ा कोई एजेंसी नहीं है। तो वो मनीष सिसोदिया हों कि जैन हों कि अरविंद केजरीवाल हों कि और कोई हो, इससे मतलब नहीं रखता है। आपने जो किया, आपने जो बोया है उसको काटना ही पड़ेगा, इसलिए उनके डर से या किसी के डर से सीबीआई काम नहीं करेगी। अभी तक सीबीआई ने जितने लोगों पर रेड किया सबको पकड़ाया है, तो उनके यहाँ पकड़ाया तो उनको छोड़ दे, इसलिए कि उनके पार्टी का है। छाती पीटने से क्या हो जाएगा, सिस्टम बदल जाएगा, कानून शिथिल हो जाएगा। हिंदी भाषा को अव्यवहारिक और विभाजनकारी थोपने की कोशिश, तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर के ये कहा है। ये घोर अनर्थ है, और स्टालिन को कुछ पता नहीं चलता है। हिंदी देश का मातृभाषा है, इस देश में दो ही भाषा है, हिंदी या इंग्लिश, और बाकी रीजनल लैंग्वेज अपना इधर उधर स्टेट का चलता है, लेकिन हिंदी के खिलाफ असम्मानजनक शब्द का व्यवहार करना भारत के और हिंदुस्तान के खिलाफ बोलना है। भूख सूचकांक का एक आया है सामने, जिसमें भारत जो 197वें पदान पे है, इसको लेकर के विपक्ष ने हमला बोला है, और विपक्ष का कहना है कि भूख सूचकांक पर विपक्ष की आलोचना में शामिल हुए हैं राहुल गांधी, और उन्होंने कहा है कि भूख और कुपोषण में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर। अब प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री कहेंगे भारत में भूखमरी नहीं बढ़ रही है, बल्कि दूसरे देशों के लोगों की भूख ही नहीं लग रही है। आरएसएस बीजेपी कब तक असलियत से जनता को गुमराह कर भारत को कमजोर करने का काम करेगी? कोई आपको भूखे मरते हुए कोई इस राज्य में आपको नजर आया? आप तो हर जगह इंटरव्यू लेते हैं, आते हैं, जाते हैं, भारत के परिदृश्य को, बिहार के परिदृश्य को आप दिखलाते हैं, कैसे सूचांक बनता है ये तो आज तक हम लोग नहीं जाने। और जहाँ तक यह सवाल है, राहुल गांधी कर रहे हैं, 70 साल तक सत्ता में रहे तो पूरा सब कोई राम राज्य में घूम रहा था, और नरेंद्र मोदी जी आ गए तो सबके भूखमरी हो गया।
भुखमरी तो कांग्रेस परिवार को हो गया है, जो बिचौलिया और दलालों के माध्यम से सत्ता चलाते थे उनको भुखमरी हो गया है, वो पीड़ा इस पर थोपना चाहते हैं।